इंस्टीट्यूट, हमने अपने क्लास 12th के लास्ट लेक्चर्स में कुछ माइक्रोब्स देखे थे, जिसमें हमने ये देखा था कि कुछ हमारे लिए कैसे थे, हार्मफुल हो रहे थे, मतलब डिसीज कॉज कर रहे थे, ऐसा पैथोजन लाइक एक्ट कर रहे थे. बट अब यहाँ पे हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमारा क्या है, एक माइक्रोब्स है एंड इन ह्यूमन वेलफेयर. मतलब माइक्रोब्स तो हैं, ठीक है, हमने हार्मफुल भी देखा, साथ साथ अब हम ये देखेंगे कि हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है, किस तरीके से हमें बेनिफिट देते हैं. ठीक है, तो पहले हम पहले माइक्रोब्स की बात करते हैं. सबसे पहले कि माइक्रोब्स आर प्रेजेंट इन एवरीवेयर. कहाँ पे प्रेजेंट्स होते हैं ये हमारे? प्रेजेंट्स इन एवरीवेयर. एवरीवेयर कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं ये हमारे? एज अ सॉइल में होंगे, एज अ सॉइल, ठीक है, एज अ सॉइल में, मतलब डीप इनसाइड आप सॉइल बोल सकते हो. सॉइल में कहाँ पे? इन सॉइल. इन सॉइल में भी कहाँ पे? बहुत डीपेंस एरिया में, डीपेंस. इसके बाद यहाँ पे कुछ वाटर बॉडीज में, एयर्स में भी हमारे माइक्रोब्स होते हैं. वाटर बॉडीज एंड एयर. उसके बाद जो कि हमने पढ़ा था कि अगर माइक्रोब्स हमारे वाटर बॉडीज में थे, जो कि क्या कर रहे थे, वाटर को कंटामिनेट कर रहे थे, साथ साथ जो एयर में भी है तो वो क्या कर रहे हैं, एयर को पॉल्यूटेड कर रहे हैं. ठीक है, उसके बाद क्या होगा, एंड एनिमल एंड प्लांट के बॉडी सरफेस पे या फिर आउटर जो भी बॉडी पार्ट्स होंगे उनके सर्फेस पे ये प्रेजेंट होते हैं. बॉडी सर्फेस ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स. इसके बाद अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं वो हमारा, मतलब माइक्रोब्स को क्लासिफाई किया गया है एज अ किस किस में, मतलब बैक्टीरियाज में भी हो गए, ये हमारे वायरस के फॉर्म में भी होते हैं, फंजाई भी होते हैं, कुछ हमारे प्रोटोजोआ भी होते हैं और कुछ फॉर्म में हमारे प्लांट्स भी होते हैं जो कि हमारे वेल डेवलप फॉर्म में नहीं होते. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको माइक्रोब्स को क्लासिफाई किया गया है. फर्स्ट इज बैक्टीरिया, सेकेंड वन इज वायरस, थर्ड इज फंजाई, फोर्थ इज प्रोटोजोआ, उसके बाद लास्ट वन आता है हमारा कुछ प्लांट्स के फॉर्म में. ठीक है, अब हम देखते हैं कि कुछ हमारे बैक्टीरियाज एंड कुछ फंजाई, ये जो अगर हम इन दोनों की बात करते हैं तो ये हमारे ग्रो करते हैं एज अ न्यूट्रिटिव मीडिया पे, मतलब अगर हम इसको न्यूट्रिशन का एक ऐसा मीडियम प्रोवाइड करें तो वहां पे क्या करेंगे, ये कॉलोनीज के फॉर्म में, मतलब अपने आप की ग्रोथ में स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, कैसे बनेंगे ये? ग्रो ऑन न्यूट्रिटिव मीडिया या मीडियम, कुछ भी बोल सकते हो उसमें आप, न्यूट्रिटिव मीडियम में ग्रो कर जाएंगे. ठीक है, एज लाइक एन कॉलोनीज, कॉलोनीज के फॉर्म में ये ग्रो करना शुरू कर देंगे. बट यहाँ पे अभी हमें वायरस की, प्रोटोजोआ की, फंजाई की बात नहीं करेंगे, अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, फंजाई में हम लेंगे कुछ कुछ फंजाई या ईस्ट की हम बात करेंगे, जो कि हमारे लिए क्या है, बेनिफिशियल है, एक बेनिफिट हमें देती है, साथ साथ हम इसमें एक जो मेन इंपॉर्टेंट बात करेंगे हम इसमें बैक्टीरिया को लेकर करेंगे. तो पहले अगर हम बैक्टीरिया की बात करते हैं कि बैक्टीरिया को भी क्या किया गया, क्लासिफाई किया गया ऑन द बिहाफ ऑफ शेप, शेप के बिहाफ पे एंड उसके साइज के बिहाफ पे. तो एक इसमें आता है कोकस, एक आता है इसमें आपका बेसिलस. कोकस का मीन क्या होता है? कोकस का मीन्स होता है सर्कुलर इन शेप, मतलब जो कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे कोकई के फॉर्म में बोलते हैं उन्हें. ठीक है, जैसे आपने सुना होगा मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, इस तरीके से. तो उनकी शेप कैसी होती है, या बोल सकते हैं यहाँ पे शेप के बिहाफ पे क्लासिफाई किए गए, कोकस के फॉर्म में हो गया. तो ये क्या हो गया, यहाँ पे हमारे मतलब इस तरीके से कोकस में हो जाएंगे. ठीक है, अगर यहाँ पे दो बने हुए हैं तो ये क्या हो जाएंगे, ये हमारी डिप्लोकोकस हो जाएंगे, दो उसमें हो जाएंगे. बट बेसिलस का मीन्स होता है, तो अच्छा इसमें पहले देख लो इसकी जो शेप होगी वो कैसी होगी, स्पेरिकल इन शेप होगी, स्पेरिकल इन शेप. बट इसमें बेसिलस, बेसिलस का मीन्स हो गया ऐसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, या आप बोल सकते हो एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, यहाँ पे कि रॉड के वे में होंगे इस तरीके से. ये तो होगी साइज की बात, तो ये आप इसको रॉड शेप भी बोल सकते हो,
और बैसिलस फॉर्म में भी, ठीक है। और यहाँ पे कोकस हो गया जो स्फेरिकल इन शेप में होता है, बहुत सारे हो सकते हैं। मतलब अब मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही ये शेप बनाई है, ये हमारी डिप्लो बैसिलस भी हो सकती है, मतलब दो यहाँ पे इस तरीके से आपस में ज्वाइंट भी हो सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका साइज। साइज मीन्स अगर हम इसकी कोकस की बात करते हैं, मतलब जो स्फेरिकल इन शेप में है, तो यहाँ पे ये कितनी होती है, इसको अगर देखें ये मैग्नीफाइड होती है 1500x के आसपास, ठीक है, 1500x। सेम एज जो हमारी बैसिलस होती है, बैसिलस भी हमारी कितनी मैग्नीफाइड होती है, मैग्नीफाइड 1500x, ठीक है। बट जो हमारी बैसिलस होती है, एक हमारी स्पीशीज ऐसी भी होती है कि बैसिलस के फॉर्म में तो है, बट वो क्या है, उसके साथ क्या अटैच है, ऐसा फ्लेजिला अटैच्ड है, फ्लेजिलम अटैच्ड है, ठीक है। जब अच्छा वो दोनों साइड भी हो सकता है फ्लेजिलम, और वन साइड भी हो सकता है वो, उसको और फिर क्लासिफाई किया गया है कि उसमें रॉड शेप में बैक्टीरिया हमारा मतलब क्लासिफाई सिंगल भी फ्लेजिलम होता है, डबल भी होते हैं, बहुत सारे ग्रुप में भी होते हैं। तो वो एक पार्ट एक अलग है, सिर्फ हमें इसमें देखना है कि अगर हमारा कोई भी बैक्टीरिया बैसिलस के फॉर्म में है, जो जिसके पास क्या है, फ्लेजिला है, तो उसको उसका कितना साइज होगा, वो आएगा आपका मैग्नीफाइड 50,000 x के हिसाब से, ठीक है। जैसे कि अब आपको यहाँ पे एनसीईआरटी का डायग्राम भी शो हो रहा है, जिसमें हम देख रहे हैं बैसिलस देखा हमने, कोकस देखा, उसके बाद हमने एक बैसिलस देखा विद अ फ्लेजिलम के साथ, जो कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि इसका साइज यहाँ पे कितना है। अगर हम इसके यहाँ पे कोकस की बात करें तो आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसमें, जिसमें आप देख रहे हो उसमें 1500 मैग्नीफाइड में एक्स को लेकर इसका साइज है, ठीक है। सेम एज बैसिलस का है यहाँ पे कितना 1500। उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे कि एक जो हमारा रॉड शेप का बैक्टीरिया है विद अ फ्लेजिलम, उसका साइज यहाँ पे कितना आ रहा है, वो आ रहा है हमारा यहाँ पे 50,000, ठीक है, जिसमें कि आपकी वो तीनों पिक इजीली से क्लियर है। उसके बाद हम नेक्स्ट आगे देखते हैं, ये तो अभी हमने जो बात करी वो किसकी थी, बैक्टीरिया की, बट अब हम देखते हैं कुछ हमारे वायरस ऐसे होते हैं, वायरस के बाद हमने इसमें ऐसे पढ़ा था, कुछ हमने बैक्टीरियोफेज देखे थे। बैक्टीरियोफेज मतलब विच वायरस अटैक ऑन अ बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया पे अटैक करके एज अ डिसीज कॉज करता है, ठीक है, वो हमारा क्या हो गया, बैक्टीरियोफेज। उसके बाद सेकेंड वन इज आता है हमारा कुछ एक एडिनो वायरस होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे क्या करते हैं, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक में एक डिसीज कॉज करते हैं, उसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो भी हमारा किसके थ्रू होती है, एडिनो वायरस के थ्रू होती है। उसके बाद थर्ड पॉइंट अब हम देखते हैं TMV। TMV मीन्स टोबैको मोज़ेक वायरस, ये क्लास 11th का टॉपिक है, बट आपके बुक में यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर भी शो हो रहा है इसका TMV में, तो आप ये देख लो, टोबैको मोज़ेक वायरस, ये भी क्या करता है, डिसीज। बट ये तीनों ही अभी हम ये क्या है, ये एक डिसीज कॉज कर रहे हैं, एज अ पैथोजन की तरह एक्ट कर रहे हैं। तो अभी हमें यहाँ पे ये ना पढ़ के हमें क्या पढ़ना है, हमें इसके यहाँ पे यूजफुल, मतलब यूजफुल ऐसे सब्सटेंसेस देखने हैं कि कौन से बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जिसके थ्रू हमें अपना बेनिफिट होता है, ठीक है। हमने डिसीज वाला कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया था, अब हम एक फर्स्ट देखते हैं इसमें कि माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड, कि हाउस होल्ड में मतलब जो कुछ ऐसे घर के ऐसी मतलब चीज़ें होती हैं जो हम अपने जो डेली मतलब डाइट में यूज़ करते हैं, वो कैसे यूजफुल हो जाती हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया। फर्स्ट इसमें आता है हमारा माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट। अब ये जितने भी मैं आपको माइक्रोब्स यहाँ पे बताऊंगी, ये कैसे पहले क्वेश्चन पुटअप होता है, इस चीज़ को समझ लीजिए। कभी कभी होता है क्वेश्चंस 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं कि कौन से बैक्टीरियाज ऐसे हैं, मतलब जो भी कन्वर्जन आएगा तो उसमें देखेंगे कि किस कौन सा कन्वर्जन किसके थ्रू हो रहा है, तो वो इसी तरीके से इसमें कन्वर्जन पूछ लेता है। फर्स्ट इसमें आता है एक आता है आपका इसमें लैब। लैब का मीन्स क्या होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। क्या होता है इसमें, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ठीक है। जैसे सिंपल हमारा क्या होता है, मिल्क होता है, मिल्क में जब हम कोई इनोकुलम ऐड करते हैं या फिर हम स्टार्टर ऐड करते हैं, तो दे आर कन्वर्ट इनटू अ कर्ड। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वो कर्ड में। अब हमें यहाँ पे हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, तो उसका मतलब इसमें हमारा क्या है, उस इनोकुलम में और उस स्टार्टर में, इनोकुलम और आप इसको बोल सकते हो यहाँ पे स्टार्टर,
यहाँ पे क्या है इसमें, लैक्टोबैसिलस, क्या है, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। इस लैक्टोबैसिलस से की वजह से ही, मतलब ये इसमें प्रेजेंट है, तो यही क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है मिल्क को, मिल्क को किस में, कर्ड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक बेनिफिट है ना, हमारे लिए अच्छा यूजफुल एक एक सब्सटेंस से, यानी एक प्रोडक्ट से न्यू प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। सेकेंड्स में आता है हमारा डो। डो जैसे हम आटे का डो बनाते हैं और ये हम मैदा का डो बनाते हैं, क्यों, क्योंकि हमें उसमें मतलब प्रोडक्शंस करना होता है, मतलब कुछ बैक्टीरियाज की वजह से भी बनता है, बट मेन जो बनता है इसमें हमारा कुछ फंजाई हेल्प करती है। कौन सी फंजाई हेल्प करती है, यहाँ पे करती है हमारी ये सेक्रोमाइसिस सर्वियेसी, ठीक है। तो ये सेक्रोमाइसी सर्वेसी ये इसमें हेल्प करेगी किसमें, डो में, क्यों, क्योंकि ये इंक्रीज करती है अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्शंस करती है, किसका, ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। क्या करती है, इट प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2, लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 को प्रोड्यूस करती है, जिससे हमारा एक डो प्रिपेयर होता है, वो भी किसकी वजह से, एक फंजाई की वजह से। बट अब इसमें क्या होता है, इस डो में आप देखते हो कुछ पफीनेस का स्ट्रक्चर आ जाता है, पफीनेस मतलब पफ लाइक हो जाता है, ये पफीनेस या पफ्ड आप बोल सकते हो उसमें, ठीक है। अब वो पफनेस क्यों होती है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा CO2 का प्रोडक्शन हाई लेवल पे हो जाता है। पहले हमने उस डो को प्रिपेयर किया, डो को अगर हम नॉर्मल प्रिपेयर करेंगे तो उसमें आपका लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस नहीं होगा, अगर आप उसमें यहाँ पे सेक्रोमाइसिस सर्वियेसिस ऐड नहीं करते, या फिर कोई भी ईस्ट आप उसमें ऐड नहीं करते, उसको आप बेकर बनाने के लिए, होता है ना एक बेकरी ईस्ट जो होती है, ठीक है, तो वो क्या करती है, उसको फर्मेंटेड बना देती है, ठीक है, उसको पफीनेस दे देगी, उसको बहुत ज़्यादा स्वेलो कर देगी। जब स्वेलो कर देगी तो जो भी आपके पार्टिकल, जैसे अगर हम इडली बनाते हैं या डोसा बनाते हैं, तो वो उसको मतलब इजीली से बन जाएगा, क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस उसमें क्या है, ऑफ सेक्रोमाइसिस सर्वियेसी है, जिसने फॉर्म कर दिया लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 को, ठीक है। किसके काम आता है यहाँ पे ये, इडली डोसा ये सब यहाँ पे हमारे बनाने के काम आता है, ठीक है। एक ट्रेडिशनल ड्रिंक होती है हमारी टोडी, TODY, टोडी। ये टोडी क्या है, ये एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है ऑफ द साउथर्न इंडिया की, ठीक है, विच इज अ फर्मेंटेड की जाती है बाय द पाम से, एक पाम ट्री होता है उसके थ्रू ये फर्मेंटेड की जाती है, फर्मेंटेड, ठीक है। कहाँ की ट्री है, साउथर्न इंडिया की। इस तरीके से अलग अलग यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि लैब के फुल फॉर्म क्या है, बता दिया लैक्टिक एसिड्स और उसके बाद बैक्टीरिया, ठीक है। उसके बाद आप ये ध्यान रखना, मिल्क को कन्वर्जन किस में कर रहा है, कर्ड में, बट किसकी वजह से कन्वर्ट हो रहा है, एक इनोकुलम है, एक स्टार्टर है, जिसकी वजह से किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो लैक्टोबैसिलस है, उसकी वजह से ही कन्वर्जन हो रहा है कर्ड में, ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेप हमने यहाँ पे पढ़ा, एक डो प्रिपेयर हुआ जो हमारा एक लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 को प्रोड्यूस करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम ईस्ट, जो कि उसको बेकरी के काम भी आता है, मतलब बेकर भी बनाता है, बेकर ईस्ट भी होता है, ठीक है, फर्मेंटेड करता है उसको बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद एक हमने पढ़ा यहाँ पे टोडी ड्रिंक। उसके बाद एक इसमें आपका हाउस होल्ड में ही एक आपका इसमें आता है चीज, जो कि आपके यहाँ पे जो चीज होते हैं वो टू टाइप्स के हम इसमें चीज लेंगे। फर्स्ट जो होता है एक हमारा स्विस चीज होता है, स्विस चीज हो गया। उसके बाद एक होता है इसमें आपका रॉकीफोर्ट चीज। अभी जो दोनों जो चीज लिए हैं ना हमने, ये क्या है, जो चीज आर मतलब डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट टेक्सचर्स, दोनों की क्या है, अपने अपने एक डिफरेंट टेक्सचर्स हैं, एक डिफरेंट फ्लेवर है, ठीक है, डिफरेंट टेस्ट है, कैरेक्टरिस्टिक अपनी अलग अलग है, तो दोनों को ही क्या किया गया, अलग अलग क्लासिफाई किया गया। बट ये जो स्विस चीज है, ये जो मतलब प्रिपेयर होता है या फर्मेंटेड होता है, कैसे होता है, इसमें क्या होता है, अ लार्ज होल प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं, अ लार्ज होल, इसमें लार्ज होल होंगे, वही प्रोडक्शंस करेगा किसका, ऑफ द CO2 का, ठीक है, प्रोडक्शंस ऑफ CO2। सेम एज रॉक्यूफोर्ट चीज में क्या होता है, इसमें भी हमारे मतलब होल ही होते हैं,
ये भी क्या होते हैं, इसमें हमारे होल ही होंगे बट इसके कंपैरिजन में स्मॉल होंगे। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, स्विस चीज़ में जो है वो लार्ज होल होते हैं और इसमें कैसा होता है, इसमें नॉर्मल है। बट अब इसमें कौन सा ऐसा ईस्ट या कौन सी ऐसी फंजाई है जिसके थ्रू उसमें लार्ज प्रोडक्शन होता है ऑफ द होल का, ठीक है, तो इसमें क्या होता है यहाँ पे प्रोपियोनी बैक्टीरियम एक प्रोपियोनी बैक्टीरियम्स होता है, ठीक है, उसके आगे क्या आता है शर्मानी, ये इसका नाम पूरा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें कौन सी ऐसी ईस्ट या फंजाई होती है, इसमें होती है आपकी माउल्ड पेनिसिलिन, पेनिसिलिन, ठीक है, ये आपकी माउल्ड है, ये आपके ईस्ट भी बोल सकते हो आप इसको, फंजाई भी बोल सकते हो, जो उसको फॉर्म करता है, लार्ज होल देता है, ये भी, ठीक है। उसके बाद आप इसमें आप एक पिक्चर्स आपको क्लियर हो रही होगी स्विस चीज़ की, देखिए स्विस चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा इसमें होल दिख रहे होंगे, ठीक है, वो क्यों, किसकी वजह से है, जो प्रोपियोनी बैक्टीरियम है शर्मानी उसी की वजह से वो क्या कर रहा है उस चीज़ में लार्ज होल्स का फॉर्मेशन कर रहा है, देन उसी से क्या होगा लार्ज अमाउंट्स ऑफ CO2 का प्रोडक्शन भी ईजिली से हो पाएगा। उसके बाद आप देखिए रॉकीफोर्ट चीज़ में क्या होगा, इसमें उसके कंपेरिजन में थोड़े से स्मॉल होल हैं बट ये इसका यहाँ पे फंजाई चेंज हो गया, ईस्ट चेंज हो गया, कौन सा हो गया यहाँ पे माउल्ड पेनिसिलिन, ठीक है। यहाँ पे अभी हमने क्या पढ़ा, माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड, जिसमें कि हमने एक मिल्क का एग्जांपल देखा, लैब देखा, उसके बाद हमने एक डो देखा, देन हमने उसके बाद एक टॉडी मिल्क टॉडी ड्रिंक देखी। नाम से पूछ ली जाती है कि कहाँ पे होती है टॉडी ड्रिंक या किससे मिलती है, ठीक है, ये फर्मेंटेड होती है बाय द पाम के, पाम ट्री के थ्रू, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, चीज़ में देखा, स्विस चीज़ देखा, और उसके बाद हमने यहाँ पे देखा रॉकीफोर्ट चीज़, ठीक है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि जो हाउसहोल्ड जो होता है इन इंडस्ट्रीज में कैसे यूज किया जाता है, एज अ कमर्शियल लेवल पे किस तरीके से इसका प्रोडक्शन होता है, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रीज, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रीज की अगर बात करते हैं तो इसमें ये मतलब इसके कुछ केमिकल्स भी होते हैं, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जिसमें अपना ये ऐसा कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं अपने कमर्शियल लेवल पे, उन्हीं माइक्रोब्स की हेल्प से अपना एक मतलब एक अच्छा सा बिजनेस क्रिएट करते हैं। कैसे बिजनेस करते हैं, देखिए फर्स्ट तो होता है आपका बेवरेज, बेवरेज आता है इसमें, सेकंड वन इज आता है आपकी एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक बेवरेज, बेवरेज में क्या होता है, बेवरेज एक हमारी एक अल्कोहल है ना, जो किससे मिलके किससे बनती है यहाँ पे, ये जो भी हमारे फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स को क्या होता है एकदम से डिस्ट्रॉय करके बना दिया जाता है ना, उसको मतलब एकदम सड़ाकर बना दिया जाता है, तो ये बेवरेज तैयार की जाती है। एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक वो है कि अभी तुम पढ़ रहे थे कि कुछ हमारे हार्मफुल मतलब जो ऐसे माइक्रोब्स जो डिसीज कॉज कर रहे थे, बट यहाँ पे अब उसी माइक्रोब्स के थ्रू मतलब कुछ तो ऐसे जो डिसीज कर रहे हैं बट कुछ ऐसे हैं जो हमारे लिए क्या है बेनिफिशियल हैं, तो वो ऐसा कैसे एक्ट करेगा, एंटीबायोटिक की तरह, जो कि उन डिसीज से हमारी प्रोटेक्शंस करेगा, ठीक है। तो बेवरेज की अगर देखें तो ये क्या होती है, फर्मेंटेड करके बनती हैं, मतलब कोई भी फ्रूट्स होता है या फ्रूट्स होता है, फ्रूट्स को क्या करते हैं फर्मेंटेड किया जाता है, फर्मेंटेड करके तैयार किया जाता है इसको, तो ये जो जिस वेसल्स में किया जाता है उसे बोलते हैं फर्मेंटर वेसल्स, क्या बोलते हैं फर्मेंटर वेसल्स, जो कि बहुत लार्ज वेसल्स होते हैं ये। अब जो बेवरेज होती है, बेवरेज हमारी कौन कौन सी होती हैं, रम होती है, विस्की होती है, उसके बाद बियर होती है, उसके बाद वाइन होती है, ठीक है, वाइन बियर विस्की वोडका रम, इस तरीके से बहुत सारी आपकी ऐसे अल्कोहल होती हैं बेवरेज, जो कि एक ह्यूमन बॉडी के लिए यहाँ पे वैसे तो बोलते हैं कि ठीक है ये हार्मफुल है, बट अगर ये स्मॉल अमाउंट में ली जाए तो ये ठीक है। क्यों ठीक है, क्योंकि जो मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जैसे नॉनवेज अगर खाते हैं दैट मीन्स उनका जो डाइट होती है वो थोड़ी हैवी हो जाती है, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए ये जो ड्रिंक ली जाती है इसके थ्रू वो इजीली से डाइजेस्ट हो जाता है वो खाना, ठीक है। तो अगर ये कि ये स्मॉल अमाउंट में ली जाए तो ये बेनिफिट भी देती है, बट अगर ये लार्ज अमाउंट में दे जाए तो धीरे धीरे ये क्या कर देती है आपके बॉडी को मतलब एक न्यूट्रलाइज बना देती है, और धीरे धीरे जितनी भी आपकी परफॉर्मेंस होती है ऑफ द बॉडी की वो डिक्रीज कर देती है, ठीक है।
बट इसमें भी हमारे यहाँ पे टू मेथड्स होते हैं कि जो फर्मेंटेड की जा रही है, ये जो हमारी बेवरेज तैयार हो रही है, ये कैसे बनाई जा रही है, ये हमारी डिस्टिलेशन के मेथड से होते हैं। मतलब एक तो विदाउट डिस्टिलेशन होता है और एक विद डिस्टिलेशन होता है। डिस्टिलेशन किया जाता है इसका यहाँ पे, डिस्टिलेशन में कैसे होता है, एक तो यहाँ पे होता है हमारा विदाउट डिस्टिलेशन और एक होता है हमारे यहाँ पे विद डिस्टिलेशन। तो जो विदाउट डिस्टिलेशन है वो वाइन और बियर विदाउट डिस्टिलेशन के प्रिपेयर की जाती है, जबकि जो हमारी विस्की, वोडका, रम, इस तरीके से ये जो सारी होती हैं, ये हमारी विद डिस्टिलेशन के थ्रू प्रिपेयर की जाती हैं। तो यहाँ पे अभी हमने कुछ बेवरेज देखी जो कि हमारे लिए हार्मफुल भी हैं, मतलब हार्मफुल इन द सेंस जब हम उसको एक्सेस अमाउंट पे जब हम उसका यूज़ करते हैं तब वो हमारे लिए हार्मफुल है, ठीक है। अदरवाइज वो डाइजेशन में प्रॉपर अपना एक बोलते हैं एक कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं, ठीक है। अब आता है सेकेंड पॉइंट इज हमारा एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या है आपका, एंटीबायोटिक इट इज अ ग्रीक वर्ड। ये कैसा वर्ड है, एक ये जीके नहीं है, ये ग्रीक लिखा हुआ है मैंने शॉर्ट में। ये कैसा एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। इट इज अ कंसिस्ट अ एंटी प्लस बॉडी, मतलब बायोटिक है तो बॉडी से ही है, ठीक है ना। एंटी प्लस अब बायोटिक ही ले लो, बायोटिक, ठीक है। एंटी मीन्स क्या हो गया, अगेंस्ट। एंटी मीन्स अगेंस्ट एंड बायोटिक मीन्स इज अ किसमें, बॉडी के या लिविंग के, ठीक है। लिविंग बोल सकते हो इसमें या फिर आप इसमें यहाँ पे बॉडी बोल सकते हो, ठीक है। अगेंस्ट लिविंग बॉडी की ये क्या करती है, मतलब उसमें ऐसे जैसे कोई भी हमने पैथोजेंस पढ़े थे, या फिर आपको अगर कुछ टर्म्स ये पहले से अगर क्लियर हूँ, एक होता है हमारा एंटीजन, एक होता है हमारा यहाँ पे एंटी बॉडी, एक होता है हमारा एंटीबायोटिक जो कि अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एंटीबॉडी क्या होती है, ये हमारी बॉडी में सेल्फ होती है, जो कि हमारी कुछ ब्लड में हमारी सेल्स होती हैं, WBC होती है या ल्यूकोसाइट्स उसका सेकेंड नेम भी होता है। तो उसमें क्या होती हैं, वो हमारी हेल्प करती हैं किससे, अगेंस्ट द एंटीजन से, मतलब टू फाइट करती हैं अगेंस्ट द एंटीजन्स। अब ये जब एंटीजन्स, मतलब हम बोल सकते हैं ना फॉरेन बॉडीज हैं या फॉरेन पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो जब हमारी एंटीबॉडी वीक पड़ जाती है तो हम बाहर से क्या लेना स्टार्ट कर देते हैं, एंटीबायोटिक। तो ये ही एंटीबायोटिक उस लिविंग बॉडी, मतलब यहाँ पे इसके लिए तो ये लिविंग हो गया ना एंटीजन, ठीक है, तो इसके अगेंस्ट क्या करता है, फाइट करता है, ठीक है। तो वो हमारा क्या होता है, एंटीबायोटिक के फॉर्म में मतलब यूज किया जाता है। अब सबसे पहले फर्स्टली मतलब जो डिस्कवर्ड की थी, जो एक फर्स्ट एंटीबायोटिक थी, वो एक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। वो कैसी की थी उन्होंने, पेनिसिलिन की, कौन सी की थी, पेनिसिलिन। बट बाद में उन्होंने क्या दिया था, उसको नाम दे दिया था पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नोटेटम, नोटेटम। ये आपको नाम ही, इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं कि अब ये क्या है, एक हमारी ये एक एक माउल्ड है, एक ईस्ट है, जिसके थ्रू जो एक उसने क्या की, एक एंटीबायोटिक तैयार की, किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है। तो इसी का नाम पूछ लेगा कि किसके थ्रू की है, पेनिसिलियम नोटेटम। उसके बाद आप देखिए कि बट ये इन्होंने प्रिपेयर कैसे की, इन्होंने मतलब एक स्टेफाइलोकोकस लिया था, स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस क्या है, एक बैक्टीरिया है, ठीक है। उन्होंने एक पेट्री डिश ली, पेट्री डिश में जैसे इस तरीके से एक पेट्री डिश हो गई, यहाँ पे बहुत सारे क्या लिए, उन्होंने एक बैक्टीरिया लिए, इसको क्या किया, अनकवर्ड कर दिया, मतलब किसी भी चीज से उसको कवर नहीं करके रखा, अनकवर्ड कर दिया और एक प्लेस पे ऐसे रख दिया, ठीक है, मतलब विंडो के पास में रख दिया। जब उसको विंडो के पास में रख दिया तो उन्होंने देखा वहाँ पे एक फ्लूड, वहाँ पे सीक्रेट सा होना स्टार्ट हो गया। वो फ्लूड क्या था वहाँ पे, वो माउल्ड थी आपकी, क्या थी वहाँ पे, माउल्ड थी, जिसने क्या करा, मतलब इसकी जो ग्रोथ थी, स्टेफाइलोकोकस की जो ग्रोथ थी, उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर दिया। जब उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर दिया, दैट मीन्स ये अब यहाँ पे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे वो ये समझ गए थे कि ये जो हमारा माउल्ड है वो किसको स्टॉप कर रहा है, जो भी बैक्टीरिया हैं जो बॉडी को अफेक्ट करते हैं, तो वो क्या करते हैं, मतलब बॉडी को अफेक्ट कर रहे हैं, तो उसके बाद वो क्या कर देंगे, जो माउल्ड होगा उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर देंगे, रोक देंगे। तो इन्होंने सोचा कि हम इससे क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, ये एक हमारी तरह एक एंटीबायोटिक की तरह करेगी, किसी भी बैक्टीरियाज को कोई किसी भी बॉडी सरफेस पे ग्रो करने नहीं देगी, ठीक है। उसके बाद कुछ साइंटिस्ट आए थे, एक एर्नेस्ट चैन नाम के साइंटिस्ट थे यहाँ पे, एर्नेस्ट चैन, और एक फ्लोरी थे,
ठीक है, जिन्होंने यहाँ पे एक अमेरिकन जो सोल्जर थे और सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम इन्होंने मतलब एक ऐसा इसी पे और उसको मॉडिफाई करके इस एंटीबायोटिक को यूज़ किया था। देन कुछ टाइम बाद अलेक्जेंडर फ्लेमिंग भी फिर इनके साथ आए थे और तीनों को ही क्या हुआ था 1945 में, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग तीनों को ही क्या मिला था 1945 में एज अ नोबेल प्राइज मिला था। तो ये बात आई, आप तीनों साइंटिस्ट का नेम याद रखना कि कौन कौन से साइंटिस्ट थे, एर्नेस्ट चैन थे, फ्लोरी थे, उसके बाद अलेक्जेंडर, तीनों का ही कॉन्ट्रीब्यूशन था मतलब, और उस जो एंटीबायोटिक अलेक्जेंडर ने प्रिपेयर की थी उसको और थोड़े से अच्छा मॉडिफिकेशन वे में देके तीनों को क्या मिला, एक नोबेल प्राइज दिया गया इन 1945 में। ठीक है, यहाँ पे अब हमारा क्या हुआ, हमने इस इंडस्ट्री के स्केल पे इन माइक्रोब्स का क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, किस किस वे में है, वो हमने क्या देखा, एक तो हमारा बेवरेज था जिसमें हमने अपना ये अल्कोहल पढ़ी, जिसमें आपका ये पूछ दिया जाता है कि वाइन और जो बियर है वो किस तरीके से फॉर्म होती है, मतलब विद डिस्टिलेशन के साथ फॉर्म हो रही है या विदाउट डिस्टिलेशन, तो विदाउट डिस्टिलेशन से हो रही है। उसके बाद ये जो सारी है विस्की, वोडका, रम, ठीक है, और ये किसके थ्रू हो रही है, ये विद डिस्टिलेशन हो रही है। देन मेन आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो एंटीबायोटिक है वो कौन सी फंजाई से ग्रो, मतलब कौन सी फंजाई ऐसी होती है जिसके थ्रू एंटीबायोटिक का फॉर्मेशन किया जाता है, तो पेनिसिलियम नोटेटम। बट स्टार्टिंग में उन्होंने क्या नाम दिया था उसका, पेनिसिलिन नाम दिया था, ठीक है, बाद में वो कन्वर्ट कर दिया था, बाद में मतलब उस पर और एक्सपेरिमेंट्स किए गए और उसमें चेंजेस किए गए, देन उसमें कन्वर्ट कर दिया गया पेनिसिलियम नोटेटम पे। ठीक है, अब हम इसके आगे कुछ अपना देखते हैं, कुछ हमारे ऐसे केमिकल्स होते हैं या कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं, मोलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे किस में काम आते हैं, बैक्टीरियाज ही होते हैं बट हमारी डेली लाइफ के मतलब आगे के जो भी मतलब फंक्शंस होते हैं उनको इजीली से परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, पहले अगर कुछ हम केमिकल्स की बात करें, केमिकल्स, उसके बाद कुछ हम इसमें एंजाइम देखेंगे। तो अगर हम केमिकल देखते हैं तो एक केमिकल तो हमारा कौन सा हो गया, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड हो गया। ठीक है, उस ये हमारा किस में होता है, लैक्टोज, लैक्टोज मतलब लैक्टोज क्या है, एक हमारी मिल्क, एक शुगर है। ठीक है, किस में होगा यहाँ पे हमारा, ये शुगर में, ठीक है, मिल्क के फॉर्म में, मतलब किस में, लैक्टोज में, किस में होता है यहाँ पे हमारा, ये लैक्टोज में। ठीक है, उसके बाद एक यहाँ पे आता है आपका एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड कैसे होता है, एसिटोबैक्ट्रम एसिटी। ठीक है, ये किस में होता है हमारा, एसिटिक एसिड में होता है। उसके बाद एक आता है हमारे यहाँ पे ब्यूटारिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड इसमें कौन सा होता है यहाँ पे हमारा, ब्यूटालिकम, ये ब्यूटालिकम एसिड होता है। ठीक है, क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटालिकम, क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटालिकम, ठीक है, ये हमारा ब्यूटारिक एसिड का होता है। ये हमारे यहाँ पे कुछ केमिकल्स हैं जो कि एसिड, अब पता है हमें कि हमारा अगर हम लैक्टिक एसिड की देखें या लैक्टोज देखें तो मिल्क को किस में, कर्ड में कन्वर्ट करने का हमारा है, एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड किस में होता है हमारे यहाँ पे, जो कि मतलब जो एसिटिक एसिड है कि उसमें हम काफ़ी टाइम तक कुछ भी जो हमारे यहाँ पे जैसे अचार वगैरह होते हैं, पिकल्स होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, तो उसको एक ऐसा मीडियम प्रोवाइड कराना, एंजाइम, एंजाइम क्या करता है, यहाँ पे एक नंबर के लिए अलग से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यहाँ पे एक एंजाइम आता है हमारा लाइपेज, लाइपेज ये क्या करता है, इट्स हेल्प इन अ, या इट यूज इन अ, ये क्या करता है, डिटर्जेंट, डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन, फॉर्म्यूलेशन मतलब डिटर्जेंट्स, कोई भी हमारे ऑयली स्ट्रेन्स ऑफ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं किसी भी मतलब सरफेस पे, आप बोल सकते हो सरफेस इन द सेंस जैसे कोई क्लोथ्स वगैरह हो गए, ठीक है, जो कि हमारे लॉन्ड्री में यूज किए जाते हैं, तो रिमूवल ऑफ द ऑयल स्ट्रेन फ्रॉम द लॉन्ड्री पर्पज से ये यूज किए जाते हैं। इसमें हमारा लाइपेज क्या था, ये रिमूवल ऑफ ऑयल स्ट्रेन, ठीक है, फ्रॉम द लॉन्ड्री, मतलब जो भी लॉन्ड्री में हमारे कपड़े होते हैं, जो भी उस पर ऑयल स्ट्रेन लग जाता है, तो उसमें हेल्प कौन करेगा उसको रिमूव आउट करने के लिए, लाइपेज एंजाइम। ठीक है, अच्छा, एक यहाँ पे आपसे, अब
लास्ट ईयर मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर आपका 2 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन पुटअप हुआ था कि साइक्लोस्पोरिन, साइक्लोस्पोरिन ए ये क्या करता है, एक्ट करता है एज अ किसकी तरह, यहाँ पे ये मतलब इसमें ये इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट्स होता है, ये क्या करता है इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट की तरह एक्ट करता है। जो भी हमारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें क्या किया जाता है ऑर्गेन ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो उनमें क्या यूज किया जाता है साइक्लोस्पोरिन ए, ठीक है, जो कि किसको करता है एक्ट एज अ इम्यूनिटी सप्रेसिव एजेंट्स, मतलब एक्ट करेंगे कैसे, एक्ट एज अ इम्यूनो सप्रेसिव यानी इम्यूनिटी को क्या करेंगे सप्रेस कर देंगे, ठीक है। इसके लिए किस पेशेंट के लिए यूज किया जाता है, जो ऑर्गेन ट्रांसप्लांट करते हैं, ऑर्गेन ट्रांसप्लांट। यहाँ पे अभी हमने दो चीज़ पढ़ी, कौन कौन सी, माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स पढ़ा, उसके बाद हमने यहाँ पे माइक्रोब्स इन क्या देखा, इन इंडस्ट्री स्केल पे देखा या कमर्शियल लेवल पे देखा, जिसका हम मतलब एक प्रोडक्शंस करते हैं एज अ अल्कोहल का, और किसका, अल्कोहल में हमारी बेवरेज आ जाएगी। उसके बाद हमने इसमें देखा एंटीबायोटिक, जो कि आप देखते हो मेडिसिन जो बनती है वो मतलब बनती तो बहुत चीपेस्ट रेट पर है, बट जो वो मिलती हैं तो वो मतलब एक्यूरेट जिस रेट पर होती हैं उस रेट पर ही मिलती हैं, उसमें कोई मार्जिन नहीं होता। वो बात एक अलग है कि आप अगर मेडिकल स्टोर पर जाओ तो आपको 10% 20% ऑफ मिल जाए, बट फिर भी उसमें उनका बहुत ज़्यादा मार्जिन होता है, ठीक है। तो एक बिजनेस पर्पज से, कमर्शियल पर्पज से इसका स्केल बहुत ज़्यादा किया जाता है, बहुत अच्छे से इसको हम मतलब बिजनेस स्केल पे हम इसको ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, करते भी हैं। उसके बाद हमने इसमें कुछ केमिकल्स पढ़े, कुछ हमने इसमें एंजाइम देखे, मेनली आपके केमिकल्स ध्यान रखना, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड सब पूछ लिया जाता है। उसके बाद लाइपेज मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, साइक्लोस्पोरिन ए, ठीक है। अब इसमें हमारा क्या आता है कि माइक्रोब्स इन मतलब सीवेज ट्रीटमेंट, मतलब कुछ अभी हम इसमें यहाँ पे ऐसे सीवेज की मतलब देखेंगे कि किस तरीके से हमारा सीवेज होता है, मतलब पहले हम देखेंगे सीवेज क्या है, उसके बाद हम देखते हैं कि प्राइमरी सीवेज और सेकेंडरी सीवेज क्या होता है, तो अभी हम देखते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, ठीक है। सीवेज ट्रीटमेंट सबसे पहले क्या होता है, इसमें हम देखेंगे कि सीवेज में जो हमारा म्यूनसिपल वेस्ट होता है उसमें हमारा क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं और कुछ हमारा माइक्रोब्स होता है, ठीक है। क्या होता है, पहले हम सीवेज की बात कर रहे थे, पहले सीवेज क्या होता है कि सीवेज हमारा कुछ क्या है, एक म्यूनसिपल वेस्ट, म्यूनसिपल वेस्ट जो कि वेस्ट किसके फॉर्म में है, आपका ह्यूमन एक्सक्रीटा के फॉर्म में है, एज आए ना मतलब लिक्विड्स के फॉर्म में भी होता है। और ये कहाँ से प्रोडक्शन हो रहा है, जो हमारे मतलब एवरीडे मतलब हमारे घर से हो रहा है, ठीक है, सारे घर से भी जा रहा है। बहुत सी इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जहाँ से कुछ केमिकल्स का सिक्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, या फिर जैसे जो अपने घर में वो करते हैं काव रखते हैं, बफेलोज रखते हैं, ठीक है, उनका भी तो क्या होता है एक्सक्रीटा वेस्ट के फॉर्म में रिलीज आउट होता है, तो वो सब आप देखते हो कहाँ पे जाके मिल जाता है, जो छोटी छोटी नालियाँ होती हैं वहाँ पे जाके, उसके बाद जो बड़े बड़े टैंक होते हैं वो सब वहाँ पे जाके वेस्ट मिल जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो वो क्या हो गया हमारा म्यूनसिपल वेस्ट, ठीक है, जिसमें क्या है एक ह्यूमन एक्सक्रीटा, ये क्या कंटेन करके रखता है, इट कंटेन अ ऑर्गेनिक मैटर्स, इसमें कुछ हमारे क्या होते हैं, कुछ हमारे इसमें ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, और मेन चीज़ इसमें हमारी क्या होती है, कुछ माइक्रोब्स होते हैं, जो माइक्रोब्स होंगे विच कॉज अ पैथोजेनिसिटी, जो क्या कॉज करेंगे, पैथोजेनिसिटी मतलब डिसीज कॉज करेंगे। तो हम क्या करते हैं, मतलब हम इन द सेंस जो गवर्नमेंट्स होती हैं तो वो क्या करती हैं, मतलब इस जो सीवेज होता है ना, म्यूनसिपल जो वेस्ट है वो डायरेक्टली मतलब ट्रांसफ़र नहीं कर दिया जाता, तो डायरेक्टली आप इसको डिस्पोज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्या हैं, माइक्रोब्स होते हैं जो कि क्या करेंगे, डिसीज कॉज करेंगे। तो इस सीवेज को ट्रीट करने से मतलब ट्रीट करने के लिए या इसमें जो माइक्रोब्स का जो प्रोडक्शन हाई अमाउंट में हो रहा है उनको कम करने के लिए तो क्या किया जाता है, कुछ ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं। तो ये हमारा ट्रीटमेंट्स ऑफ द सीवेज है, जो कि हमारा 2 स्टेप्स में होता है, फर्स्ट इज प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंड इज सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो जो प्राइमरी ट्रीटमेंट, ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, इसको मैंने थोड़ा सा थ्योरी में ना बता के मैंने आपको क्या किया, एक चार्ट के फॉर्म में एक्सप्लेन किया है। अगर आप उसको चार्ट के फॉर्म में वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप अगर आप समझोगे तो आप इजीली से अपने पॉइंट्स बना सकते हो, तब आपका ये टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। बट अगर आप पॉइंट टू पॉइंट समझोगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी में थोड़ी सी लैंग्वेज मतलब इधर उधर की हुई है तो वो इजीली से समझ में नहीं आएगी, अगर आप ये चार्ट के फॉर्म में आप इसको ध्यान से देखोगे तो मे भी आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। फर्स्ट इज क्या है हमारा, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकंड हमारा क्या है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में
ये हम दो इसमें स्टेप करते हैं. फर्स्ट कौन सा? फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन. फिल्ट्रेशन में क्या होता है, जैसे सपोज ये जो नालियाँ होती है, नाली में जो इसमें हम तीन तरीके से हम इसको फिल्ट्रेट आउट करते हैं. जो सबसे ऊपर वाले पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं यहाँ पे तैरते रहते हैं, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, बाय द फिजिकली हम उसको रिमूव आउट कर देते हैं ऑफ दिस पार्टिकल्स को. ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हमारी क्या है, वो हमारी फिल्ट्रेशन फॉर्म में आ जाएगी. ठीक है, अब उसके बाद आप देखोगे, जैसे सपोज यहाँ पे ये इस तरीके से नाली है, यहाँ पे तीन स्लैब में आपका ये बटा हुआ है. ठीक है, यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा आपकी ग्रिट हो जाती है, पैबल्स, कंकड़ पत्थर, मिट्टी वगैरह हो जाती है, वो यहाँ पे आ जाएंगे. उसके बाद इसी में भी आपके क्या होंगे, ऑर्गेनिक मैटर्स होंगे. अभी हम पढ़ रहे थे ना कि हमारा म्यूनिसिपल वेस्ट में क्या है, ऑर्गेनिक मैटर है. ठीक है, उसके बाद कुछ पार्टिकल्स ऊपर ऐसे होंगे जो कि बहुत हल्के फुल्के होंगे, वो बस तैरते रहेंगे, आप उनको बाय फिजिकली आप रिमूव आउट कर सकते हो. उसके बाद आप देखोगे सेडिमेंटेशन. सेडिमेंटेशन में क्या होता है कि जो ग्रिट और पैबल्स जो बचती हैं आप उसको रिमूव आउट कर दो. ठीक है, वो आपका क्या होता है, सेडिमेंटेशन. अच्छा, उसके बाद थर्ड में क्या आता है हमारा, अब देखो ये जो हमारा ऑर्गेनिक फॉर्म में जो बचा है, ठीक है, और ये जो हमारा लास्ट में जो नीचे की इस तरीके से बचा रह जाता है, वो हमारा मतलब ऑर्गेनिक मैटर के फॉर्म में. यहाँ तो हमारी कुछ वाटर बॉडीज हो गए, वाटर पार्टिकल्स हो गए, जो कि किसके फॉर्म में होंगे, एफिलेंट के फॉर्म में होंगे. बट ये जो हमारा बचा रह जाएगा वो हमारा क्या होगा, प्राइमरी स्लज. ये आप इसको ध्यान रखना कि एक बार पहले हमने जो बहुत ही ज़्यादा हल्के थे, मतलब जो तैर रहे थे, उसको हमने बाय फिल्ट्रेशन, बाय फिजिकल मैथड्स के थ्रू सेपरेट आउट कर दिया. सेकेंड में जो ग्रिट और पैबल्स थी उनको सेपरेट आउट किया. देन फिर जो बीच में जो हमारे ऑर्गेनिक मैटर्स बचे वो एज अ प्राइमरी स्लज के फॉर्म में नीचे की तरफ आ गए. बट उसमें भी अभी भी इस ऑर्गेनिक मैटर में जो वाटर बॉडीज है उसमें भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स बहुत सारे अभी भी और हैं, तो वो किसके फॉर्म में, एफ्यूलेंट के फॉर्म में. अब ये हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है. उसके बाद हम सेकेंड स्टेप पर आते हैं जो कि हमारा क्या है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट. यहाँ पे हमने फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन किया था, इसको मैंने आपको सेकेंडरी ट्रीटमेंट को भी मैंने आपको दो पार्ट में ब्रेक करके बताया, फर्स्ट स्टेप एंड सेकेंड स्टेप. फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि अब ये जो इफ्यूलेंट लिया है ना, उस सेकेंडरी ट्रीटमेंट में एक टैंक लेते हैं. अब वो टैंक कौन सा होता है, ये एरिटेशन टैंक होता है. एरिटेशन टैंक का मतलब जिसमें आप क्या करते हैं, उसमें ऑक्सीजन मतलब ऐड की जाती है. क्या की जाती है, ऑक्सीजन ऐड की जाती है. साथ साथ उसे क्या किया जाता है, एजिटेटेड किया जाता है. मतलब एक टैंक ले लिया, उस टैंक में एफ्यूलेंट डाल दिया, ठीक है, जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर्स हैं. उसके बाद वो भी टैंक कौन सा लिया, एरिटेशन टैंक. एरिटेशन मतलब जिसमें हमारी एयर्स प्रेजेंट है. देन क्या किया उसको, एजिटेटेड किया. एजिटेटेड मतलब मिक्सअप कर दिया, मैशअप कर दिया, जिसमें क्या होंगे, अब उसमें ऑर्गेनिक मैटर हैं, स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हमारे क्या हैं, माइक्रोब्स हैं. अब माइक्रोब्स क्या करेंगे, वो रैपिड अपना ग्रोथमेंट स्टार्ट कर देंगे, यानी अपना फॉर्मेशन इतना ज़्यादा बढ़ा देंगे उस, क्योंकि एयर तो वहाँ पे है ही, ठीक है, तो वो हमारे एरोबिक बैक्टीरिया हो गए और उसने अपनी ग्रोथमेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दी. तो वही हमारा बेटा क्या कहलाता है, इनफ्लॉक्स. मतलब जो माइक्रोब्स एक रैपिड फॉर्म में जब उसमें एरिटेशन टैंक में उसको डाला, उसको एजिटेटेड किया, तो कैसे बन गए वो, फ्लॉक्स. 1 मार्क्स का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है यहाँ से कि व्हाट इज अ फ्लॉक्स, फ्लॉक्स क्या है. तो फ्लॉक्स क्या होता है, फ्लॉक्स एक मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर्स होता है एसोसिएटेड विद अ बैक्टीरिया एंड द फंगल हाइफी टू मेक अ मेश लाइक स्ट्रक्चर्स. क्या बना लेता है ये, मतलब बैक्टीरिया तो है ही है, उसके साथ साथ फंगल हाइफी यानी माइसीलियम बनाना शुरू कर देते हैं. अटैचमेंट हो जाती है बहुत सारी इस तरीके से, ठीक है, माइसीलियम बन जाती है और बैक्टीरिया तो इसमें हमारे प्रेजेंट होते ही हैं. तो एक क्या बना लेता है, आप देख रहे हो ना, ये बन गया एक मेश लाइक स्ट्रक्चर्स बन गया. इसके स्ट्रक्चर को क्या बोलते हो, मेश लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, यही हमारा क्या कहलाता है, फ्लॉक कहलाता है. ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हो कंज्यूम मेजर ऑर्गेनिक मैटर. मतलब अब ये जो हमारा एक फ्लॉक्स बन गया, मतलब जिसमें बैक्टीरियाज भी आ गए और फंजाई भी आ गए, उन्होंने क्या करा, उस ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया. जब उसको कंज्यूम करना स्टार्ट कर देंगे तो वहां से हमारी क्या होगी, जो बीओडी है, बीओडी मीन्स बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, या फिर आप बायोलॉजिकल केमिकल डिमांड्स भी बोल सकते हो, ठीक है, उसका लेवल कैसा हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा. अब पहले आप बायोलॉजिकल मतलब ऑक्सीजन डिमांड को समझ लो, वो क्या होती है कि बॉड रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ O2 दैट वुड बी कंज्यूम्ड बाय द ऑल ऑर्गेनिक मैटर. मतलब जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है वो कंज्यूम्ड हो जाता है इन 1 लीटर में ऑफ वाटर का, वर ऑक्सीडाइज बाय बैक्टीरिया.
जो भी बैक्टीरिया होते हैं उसे ऑक्सीडाइज कर देते हैं, कितना 1 लीटर, और धीरे धीरे करके और मतलब बहुत सारे फ्लॉक्स होते हैं वो और ज़्यादा बीओडी को कम कर देंगे। जब आप देख रहे हो जब ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरियाज की या फ्लॉक्स की बढ़ती जाएगी तो बीओडी नेचुरल सी बात है क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ अभी मैंने एक स्टेप्स का फिनिश किया, उसके बाद सिंपल है। क्या पढ़ा हमने इसमें कि एफिलेंट लिया, एफिलेंट को एक एजिटेशन टैंक में डाला, उसको एजिटेट किया जहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया ग्रो हो गए, और जिसने क्या करना स्टार्ट कर दिया एक मतलब ग्रो के मतलब ग्रो हुए उसी इस टर्म को बोला गया फ्लॉक्स। फ्लॉक कब बोला गया कि जब वहाँ पे बैक्टीरिया के साथ जुड़ गए कौन, एक एसोसिएटेड हो गया विद अ फंगल हाइफी का एंड फॉर्म अ मेश लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, उसने एक मेश लाइक स्ट्रक्चर बना लिया, वो हमारे फ्लॉक हो गए जो कि उस ऑर्गेनिक मैटर को धीरे धीरे कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया। जब वो कंज्यूम करना स्टार्ट कर देंगे तो बीओडी धीरे धीरे क्या होगी, कम होती जाएगी। उसके बाद अब सेकंड स्टेप फिर से साथ देखिए क्या होता है कि अब क्या किया इसमें, अब जो हमारा टैंक था बीओडी तो कम हो गई, अब इस टैंक में जब बीओडी कम हुई तो यहाँ पे क्या है, कुछ तो एफिलेंट रहा होगा ना, ये जो एफिलेंट है ये सेकंड टैंक में उसने दोबारा से डाला, मतलब लार्ज सेटलिंग टैंक में डाला। उसके बाद आप देख रहे हो फिर धीरे धीरे लार्ज सेटलिंग टैंक किस में कन्वर्ट हो गया, फ्लॉक्स में, मतलब पहले जो फ्लॉक्स बने थे ठीक है, बट अब की टैंक कैसा लिया, लार्ज सेटलिंग टैंक लिया जो कि एफिलेंट को मिक्सअप कर दिया, फ्लॉक्स बन गया। उसको सेकंड टर्म यहाँ पे क्या प्रोनाउंस किया, एक्टिवेटेड स्लज। यहाँ पे हमने क्या प्रोनाउंस किया था, प्राइमरी स्लज जो कि एक एफिलेंट्स में मतलब कुछ ऐसे मटेरियल से एफिलेंट्स अलग था और कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो फिल्टरेड आउट या सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट आउट नहीं हुए थे, वो नीचे की तरफ आ गए थे, उसको प्राइमरी स्लज बोला था। सेम एज अब इसमें भी जो कुछ हमारे फ्लॉक्स होंगे वो सेडिमेंटेड हो जाएंगे, क्या बोला जाएगा उसको, एक्टिवेटेड स्लज। ठीक है, अब ये क्या होगा, एक्टिवेटेड स्लज में क्या होगा, यहाँ पे अब एनारोबिक बैक्टीरिया आ जाएंगे। इसमें क्या आएंगे, एनारोबिक बैक्टीरिया एक मतलब एक डाइजेस्टर स्लज के फॉर्म में आएंगे, जो कि अब जो एरोबिक बैक्टीरिया थे ना, फ्लॉक्स तो क्या है, बैक्टीरिया और फंजाई है। ठीक है, वो क्या करेंगे, उन जो एनारोबिक स्लज ऑफ बेड डाइजेस्टर है, उन जो हमारे एरोबिक बैक्टीरिया थे या फ्लॉक्स थे उनको डाइजेस्ट करना शुरू कर देंगे, उनको खाना शुरू कर देंगे, जो क्या कर रहे थे, डिसीज ही तो पहुंचा रहे थे। ठीक है, यहाँ इसमें किया, उसके बाद ये जो हमारा एनारोबिक बैक्टीरियाज है दे प्रोड्यूस मतलब एक एंड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं जो कि हमारा मेथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और मेन इज हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड H2S होता है। एक बार इसको सेकेंड स्टेप को दोबारा रिकॉल कर लो, फर्स्ट तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। सेकेंड में हमने क्या किया कि जब हमारी बीओडी का लेवल कम हो गया, एफिलेंट तो बचा, सेकेंड हमने लार्ज टैंक सेटलिंग क्यों किया, अभी हमने सिंपल सा पढ़ा था अपना कि मिल्क को हम जब कन्वर्ट करते हैं किसमें, कर्ड में, तो हम उसमें क्या ऐड करते हैं, इनोक्युलम मींस स्टार्टर ऐड करते हैं, जब वो ऐड करेंगे तभी तो वो दही बनेगा। ठीक है ना, तो अभी पहले तो फ्लॉक्स बन रहा था ठीक है, बट जो उसी के इफिलेंट यहाँ पे जो सेकंड वाला जो इफिलेंट है ना, वो एज ए स्टार्टर और इनोक्युलम की तरह ही एक्ट करेगा, जो कि इसने अलग से क्या बना दिए, फ्लॉक्स बना दिए। अब उसमें क्या हो गया, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर स्लज आ गए, जिसने क्या करा, डाइजेस्ट करना शुरू कर दिया उस एरोबिक जो एरोबिक बैक्टीरियाज थे उनको खाना शुरू कर दिया, या फिर आप फ्लॉक्स को बोल सकते हो, जिसने खाना वो अब जो भी एरोबिक बैक्टीरिया थे वो खत्म हो गए। देन इसने क्या प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड का, मीथेन का और हाइड्रोजन सल्फाइड का। तो ये इंपॉर्टेंट है, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, या तो आपसे अलग से सीवेज ट्रीटमेंट पूरा पूछ लेता है, या फिर आपसे बॉर्ड पूछ लेता है एक दो नंबर के लिए, या फिर आप इसकी फुल फॉर्म पूछ लेगा, फ्लॉक्स पूछ लेगा, एफिलेंट, प्राइमरी स्लज, एक्टिवेटेड स्लज। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन पुटअप हो जाता है या फिर शॉर्ट हो जाता है। तो आई थिंक आप इसको अगर एक चार्ट के फॉर्म में स्टेप बाय स्टेप इसको प्रिपेयर करोगे तो आपका जल्दी से तैयार होगा और आपको ज़्यादा टाइम तक ये चीज़ याद रहेगी। थ्योरी वाइज पढ़ोगे तो डेफिनेटली आप भूल जाओगे। ठीक है, बाकी इसके आगे का नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।